निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा को महबे लाई कहते हैं ना, इनका वाक्य भी उलमा ने यह लिखा है सूफिया ने कि इनके शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन मौज में आ गए और कहा कि निजामुद्दीन मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे। तो ये बड़ी खिदमत करते थे अपनी शेख की, तो कहा कि मुहिब बनोगे या महबूब, तो कहा हजरत अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछा। अल्लाह अकबर, इन लोगों की माएं भी तो साहबे हाल हुआ करती थी। तो कहा कि अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछाऊं कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है। कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। तो घर की तरफ रवाना हुए, एक आध दिन का सफर किया। रास्ते में एक फकीर था मजजूब जो रास्ते में बैठा था, हालत उसकी अजीब सी थी। तो ये सलाम करके गुजरने लगे तो वो मुस्करा के बोला मुहिब बनोगे या महबूब। तो हैरत ज़दा हो गए कि इसे कैसे पता चल गया, ये तो मेरे शेख का और मेरा राज है। तो रुक गए, कहा कि हजरत अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा हो। कहा नहीं नहीं, माँ से पूछो, जो वो बताएगी वही बन जाना, और अगर माँ ने ना बताया तो कल आ जाना, इसी वक्त यहां मुलाकात होगी, फिर मैं बता दूंगा। खैर चले, रात को पहुंचे, वालिदा की खिदमत में सलाम पेश किया, पांव दबाए और कहा कि शेख मौज में आ गए और कहा मुहिब बनोगे महबूब बनोगे। तो मैंने कहा माँ से पूछ लूं, तो मैं अम्मा जी आपसे पूछने आया हूं, रास्ते में यह वाकया भी हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम सुबह नाश्ता करके पलट जाना, और वो जो रास्ते में तेरे दिल की बात बूझ गया, वो कोई साहबे हाल था, वो तुम्हें सही बता सकेगा कि मुहिब बनना के महबूब बनना। खैर ये सुबह नाश्ता करके माँ के पांव पकड़े, इजाजत तलब की और वापस निकले, और वहां जाके देखा तो कोई फकीर नहीं है। बड़े हैरत ज़दा हुए, दाएं बाएं से पूछा कि यहां कल एक बाबा बैठा था। कहा वो तो कल के फौत हो गया। तो कहा उसकी कब्र कहां है। कहा कब्र किसने बनानी थी इसकी, वो गंदगी के ढेर पे लोगों ने फेंक दिया। दिल में बड़े हैरत ज़दा हुए, इतना बाग कमाल था, लेकिन अपनी हालत ये। खैर वहां चले गए और जाके खड़े होके पूछने लगे बंदा खुदा दिल की बातें पूछता था और मेरे साथ वादा किया था कि अगर माँ ने ना बताया तो कल आना, और अपना पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। ये बात कही तो बाबा उठ के बैठ गया। अरश फरश्ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना नाही ते गोर प्या कोई होर। हाँ हाँ, उठ के बैठ गया और कहा कि निजामुद्दीन महबूब बनना मुहिब ना बनना, मुहिबों का ये हाल होता है, ना कफन मिलता है ना दफन मिलता है, महबूब बनोगे तुम्हारी कब्र पर भी मेले लगेंगे। फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर हुजूर की अतात करोगे, हुजूर की फरमा बरदारी करोगे तो तुम महबूब बन जाओगे। जब कोई हुजूर का हो जाता है तो रब उसको अपना महबूब बना लेता है। तो हुजूर की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का जरिया है।